नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। देश के अंदर गौवंश को सुरक्षा को लेकर सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। कहा जाए तो गौशाला का निर्माण कर रही है, यानी गौशालाएं बनवाई जा रही है। साथ ही गौ हत्या के मामले में कानूनी सजा का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी गौ तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गौ तस्कर दो वाहनों में गौवंश को ले जा रहे थे। आखिर पूरा मामला और क्या था, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पुलिस ने गौवंश से भरे दो वाहनों को जब्त करते हुए मौके से तीन गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सुभाष चंद शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहनों में गौवंश को भर कर ले जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NH-11A पर नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने दो पिकअप को रोका तो उसमें गौ तस्कर गौवंश को भर कर ले जा रहे थे। थाना अधिकारी ने बताया कि गौवंश से भरे वाहनों को जब्त कर फिरोजपुर निवासी रसीद, भरतपुर निवासी मुकिम एवं मेवात निवासी अरमान को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गौवंश तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गौवंश को मुक्त कराया गया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।